हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बढ़िया होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो यहाँ पे शाम का टाइम हो रहा है, तो शाम का अभी 6:30 बज रहा है, तो हम यहाँ पे चाय बना रहे हैं। तो चाय बना के फिर हम आपको बताएंगे कि मैं रात को क्या क्या करती हूँ, मेरा रोज का रूटीन है। तो यहाँ पे हम चाय बना रहे हैं, तो शुगर फ्री पहले डाल रहे हैं, फिर बनाएंगे चीनी वाला चाय। ठंड का मौसम है ना, इसीलिए हम एक स्टॉल ओढ़े हुए हैं। ये शाम के टाइम में थोड़ा थोड़ा ठंडा लगता है और सुबह में भी ठंडा लगता है, तो बस यही दो टाइम ठंडा लगता है और दिन भर तो लगता नहीं है, धूप रहता है। तो आज हम खाना खा के सो गए थे, तो बर्तन भी नहीं धोए थे, तो फिर तो कुछ बर्तन रखा है वो भी धो ही लेंगे रात को अभी। और इधर मेरा चीनी डाल दिए हैं चाय में, और एक कप पहले हम शुगर फ्री वाला निकाल लिए हैं। फिर हम आपको चाय पी के आके फिर हम आपको दिखाते हैं हम क्या करेंगे उसके बाद आके। मेरा जो है ना गला बैठ गया है, इसलिए मेरा गला थोड़ा सा भारी भारी से आप लोग को सुनने में लगेगा। बस कुछ दिन से ही इस तरह मेरा हालत हो रहा है, जैसे कि फीवर फीवर सा लग रहा है और गला भारी है। तो चलिए, मेरा चाय बन गया है, हम चाय पी के फिर झटपट आ जाते हैं। लीजिए, चाय पी लिए हैं। अब यहाँ पे हम आ गए हैं बर्तन धोने के लिए। तो यहाँ पे हम कुछ बर्तन मेरा धुला हुआ था, उसी को हम अपने सब जगह पर रख रहे हैं, खाली कर रहे हैं इसको जिसमें बर्तन रखते हैं। फिर झटपट से हम बर्तन धो लेते हैं, फिर हम आपसे बात करते हैं।
यहाँ पे जो है कुकर धो रहे हैं, कुकर का जो ढक्कन होता है उसमें मसाला घुस जाता है ना, तो इसीलिए अच्छा से उसको ब्रश से साफ करना पड़ता है। और यहाँ पे हम रात का खाने का तैयारी कर रहे हैं, और ये देखिए दही जमाए थे कल। ठंडा में दही अक्सर नहीं जमता है ना, तो हम आपको दिखाएंगे दूसरा वीडियो में कि किस तरह हम दही जमाते हैं ठंडा के दिनों में। और यहाँ पे हम कढ़ाई गर्म करने के लिए बैठा दिए हैं इंडक्शन में, और यहाँ पे हम सरसों तेल कढ़ाई में डाल दिए हैं, और फूल गोभी और आलू फ्राई करेंगे। पहले प्याज लहसुन और मिर्चाई, हरी मिर्चाई, ये तीनों को चॉप कर लिए हैं मशीन में। अब इसको हम कढ़ाई में थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे, फिर जाके हम फूलगोभी और आलू इसमें डाल देंगे कढ़ाई में। और मेरा थोड़ा दिन का भात बच गया था चावल, तो इसी में इसको फ्राई कर लेंगे और रात का खाना खा लेंगे, तो अच्छा लगता है खाने में इस तरह फ्राई करके। और अभी तो ठंडा का सीज़न है, अभी हरी मिर्च, शिमला मिर्च और आपका गाजर, बीन्स, ये सब तो मिल जाएगा तो और अच्छा लगेगा खाने में। तो जब भी मेरा थोड़ा दिन का चावल बच जाता है तो हम इस तरह उसको फ्राई कर लेते हैं। और यहाँ पे हम फूलगोभी और आलू कढ़ाई में डाल दिए हैं, और थोड़ा नमक और हल्दी तो हम सबसे शुरू में ही डाले थे। अब इसको हम फ्राई करेंगे, थोड़ा सा धीमी आंच में ही इसको पकाएंगे, झाप झाप के पकाएंगे। और इधर हम दूध उबाल लेते हैं, दूध वाला भैया आए थे तो दूध दे के चले गए हैं, तो दूध को पहले छान लेंगे। छानने से क्या होता है, थोड़ा थोड़ा बाल या कुछ भी रह जाता है तो छकनी में आ जाएगा, इसलिए हम दूध जब भी उबालते हैं पहले इसको छान लेते हैं। और ये भी हम लो कर देंगे, एकदम धीमी आंच पे ही हम इसको दूध को उबालेंगे। और यहाँ पे हम बीच बीच में थोड़ा सा इसको हिला भी रहे हैं ताकि नीचे जल नहीं जाए। और हमारा अदरक ख़त्म हो गया था, मतलब अदरक हम पेस्ट बना के रखते हैं, पीस के रखते हैं, तो वो ख़त्म हो गया था, तो यहाँ पे हम अदरक को पीस कर रखेंगे। तो जब भी हम खाना बनाएंगे तो हमको टाइम नहीं लगेगा, बस झटपट से फिर से निकाले और बना लिए। हम इसी तरह अदरक लहसुन और आपका हरी मिर्चाई, ये सब हम पेस्ट करके रखना ही हम पसंद करते हैं, तो मेरा खाना झटपट बन जाता है। तो इधर देखिए हम इसका पेस्ट बना रहे हैं अदरक का, जैसे ही बन जाएगा इसको हम एक कटोरी में निकाल के फ्रिज में रख देंगे, इससे इजी रहता है खाना बनाने में।
चलिए देखते हैं हुआ कि नहीं। अच्छे से इसको उलट पुलट कर लेते हैं, नहीं तो फिर नीचे लग जाएगा। इंडक्शन में तो नीचे से ही इसका तापमान रहता है ना, तो नीचे से जलने का ज़्यादा डर रहता है, इसलिए इसको बार बार हिलाना पड़ता है। और इधर मेरा पक गया है, बस कुछ देर और रखेंगे तो हो जाएगा। और इधर हम दूध जो उबालने के लिए बैठाए थे कम आँच पे, तो इसको भी थोड़ा थोड़ा देखना पड़ेगा, नहीं तो उबल के नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे हम चावल डाल दिए हैं, चावल डाल दिए हैं, नमक डाल दिए हैं। अब इसको अच्छे से फ्राई करेंगे ताकि सारा मसाला है, सब मसाला चावल में लग जाए, कहीं भी छूटे नहीं। और थोड़ा सा इसमें घी भी ऐड कर देंगे। बस मेरा रात को जब खाना बनाना होता है तो खाना बना लेते हैं, रोटी या सब्जी। और अगर दिन का इस तरह चावल रहता है तो उसको हम इसी तरह यूज कर लेते हैं। तो आप लोग टेस्ट करके बताइए कैसा बना है। लीजिए, खाइए, खा के बताइए कैसे बना है। तो आज का वीडियो यहीं पे खत्म करते हैं, फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय।